बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मैं और ये बात जो पहले कहने वाला था वो तो मुझे लगता है कि वो एक अचंभा, और वो अचंभा है भारतीय शिक्षा बोर्ड। और जब मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कहूंगा तो मुझे लॉर्ड मैकाले क्यों नहीं याद आएगा। वो लॉर्ड मैकाले ये कहता है कि भारतीय संस्कृति संस्कार और उसकी दिव्य संवेदनाओं की मेरु कोई मेरु सत्ता है अथवा सुषमणा है तो उसे ध्वस्त करिए। वो है भारत की शिक्षा। 1936 में उसने वहाँ के पार्लियामेंट में जब ये वक्तव्य दिया और एक व्यूह रचना उसने की कि किस तरह से भारत की शिक्षा को ध्वस्त करना है, गुरुकुल पद्धति की सारी उस संरचना को चूर चूर करना है। वो लॉर्ड मैकाले का भाषण मेरे पास अभी भी है, यद्यपि उसकी प्रतियां सर्वत्र प्रकाशित हुई हैं। अगर आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात अगर मैं कहता हूं तो मुझे लॉर्ड मैकाले याद आता है कि उसने वहां वर्ल्ड अमेरिका लंदन की पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें कुछ नहीं करना है, भारत की शिक्षा को तहस नहस करना है, अपनी शिक्षा पद्धति लाकर। आज़ादी के जहाँ 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं वहाँ ये श्रेय भी पतंजलि योगपीठ को और पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य जी को जाता है कि आज भारतीय शिक्षा बोर्ड बन चुका है। और हम मोदी जी के उपकार, उनके अनुदान, उनका सहयोग और सदाशयता अथवा उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी पॉलिटिकल विल और उनके भीतर एक अद्भुत प्रशासक, वो जिसके भी उनकी आत्मा में मुझे लगता है विक्रमादित्य अथवा हर्षवर्धन कभी कभी दिखाई देता है, उनकी आत्मा में मुझे कभी कभी दिखाई देता है हरिश्चंद्र गौतम कणाद जैमिनी पाराशर के आशीष फलीभूत होते हुए। और ये साहस दिखाया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को अप्रूवल्स मिली हैं। मुझे लगता है कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारत की आज़ादी का, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सबसे बड़ा कोई कार्य हुआ है इन 75 वर्षों में तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड। एक बार जोरदार हाथ उठा करके अभिनंदन है इस कार्य का। शायद कल ही अप्रूवल्स उसकी आई है, शायद उसकी अप्रूवल्स भी कल ही मिली है। कल ही मिली। और ये एक बड़ा आश्चर्य है कि उसकी अप्रूवल्स भी कल ही मिली है। इस जड़ी बूटी दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय शिक्षा बोर्ड को अप्रूवल्स और आज ये सब जो विलक्षण आयोजन है सबको मेरी शुभकामनाएं।